साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज जो चैनल के माध्यम से मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ बाबा काल भैरव नाथ जी की, बाबा काल भैरव नाथ जी के चौमुखे चिराग की यह विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर यह विधि आप अपनाएंगे तो जो भी आपके घर परिवार में कोई बुरी शक्ति है आपके शरीर के ऊपर या आपके घर में, तो वह कांपेगी और चिल्लाकर आपके घर से दूर भागेगी। अगर आप इस विधि की पालना करेंगे, जैसे ये चौमुखे चिराग की विधि मैं आपको इस वीडियो में भक्तजनों बताने जा रहा हूँ। जैसे चैनल के माध्यम से भक्तजनों में आपको नित्य ही नई नई साधनाएं, नए नए उपाय और नए नए टोटके मैं आपको बताता रहता हूँ और नई नई साधनाओं के बारे में कि कैसे आपने मंत्रों का जाप करना है, जिसमें मैं काली की साधना, बाबा भैरवनाथ जी की साधना, माता मसाणी मेलडी जी की साधना, माता मदानन जी की साधना, पांचों वावरियों की साधना, माता श्यामपुर मोहनी की साधना, वैसे ही यह जो विधि है बाबा काल भैरवनाथ की, बिल्कुल भक्तजनों सरल विधि है। इसके लिए आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना और ना ही आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है, केवल आपने इस विधि की ही पालना करनी है, जैसे जे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी साधना और समाधान चैनल के ऊपर नए भक्तजन आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी पुरानी वीडियो भक्तजनों डाली हुई है साधनाओं की और टोटके और उपायों की जो भी वीडियो है आप उसको भी देख पाएं, और जो नई अपडेट हम आपके लिए नित्य ही लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। तो भक्तजनों, यह जो विधि है बाबा काल भैरव नाथ जी की, इसकी जो आपने पालना करनी है, इस विधि को जो आपने अपनाना है रविवार वाले दिन, तो रविवार को आपने इस विधि की पालना करनी है। तो इसके लिए आपको भक्तजनों एक चाहिए मिट्टी का दिया, मिट्टी का एक चौमुखा चिराग, और इस चिराग में डालने के लिए आपको चाहिए सरसों का तेल, केवल यही इसकी भक्तजनों सामग्री है इस चिराग को रोशन करने की। और रविवार वाले दिन ही भक्तजनों आपने एक बाबा काल भैरवनाथ जी के नाम की एक मन्नी बनानी है, जैसे रोटी होती है भक्तजनों, रोटी के टाइप की ही भक्तजनों आपने एक बड़ी मन्नी बनानी है, रोटी से थोड़ी मोटी होनी चाहिए, और इसमें जो आपने मीठा डालना है शक्कर या गुड़ का, और इसकी दोनों साइड भक्तजनों आपने पका लेनी है अपने घर में रविवार वाले दिन, और दोनों साइड के ऊपर ही आपने सरसों का तेल लगा लेना है, और सरसों का तेल लगाने के बाद भक्तजनों इस रोटी के ऊपर, फिर इसके ऊपर आपने जे जो चौमुखा चिराग है, जे जो चार बत्तियों वाला भक्तजनों चिराग है, बाबा भैरवनाथ जी का, बाबा काल भैरवनाथ जी का नाम लेते हुए इस रोटी के ऊपर आपने इस चौमुखे चिराग को रख लेना है, इसमें आपने सरसों का तेल डाल देना है और चार बत्तियां भक्तजनों आपने इसमें डाल देनी है। और यह जो विधि है भक्तजनों, जो आपने इसको रविवार वाले दिन भक्तजनों जो आपने अपनाना है इस टोटके की विधि की जो आपने पालना करनी है, रात्रि 10 बजे के बाद ही आपने इस विधि को अपनाना है। तो भक्तजनों, आपने यह जो रोटी है और इस रोटी के ऊपर यह जो चौमुखा चिराग है, इसको आपने पूरे घर में से वारना है, जितने भी आपके घर के कमरे हैं बाबा काल भैरवनाथ जी का ध्यान धरते हुए बाबा काल भैरवनाथ जी को आपने बेनती करनी है
कि जो भी हमारे घर में कोई बुरी वादा है, कोई संकट है, तो आप उसका निवारण करें। हम आपका ये लुफा भोग प्रसाद दे रहे हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। तो भक्तजनों, ये ऐसी विधि है, अगर आप इस विधि की पालना करेंगे, जो भी कोई बुरी शक्ति है आपके घर में या किसी ने कुछ किया कराया है, तो बाबा भैरवनाथ जी, बाबा काल भैरवनाथ जी अपने बंधन में ले लेंगे उस बुरी शक्ति को। जो भी आपको कोई परछाई दिख रही है या डरावने सपने आ रहे हैं, तो तुरंत ही उनका निवारण हो जाएगा। अगर आप बाबा काल भैरवनाथ जी के ऊपर आस्था रखते हैं और इस विधि की अगर आप पालना करेंगे, तो पूरे घर में से इस चिराग को वारने के बाद जितने आप घर में व्यक्ति हैं, सभी के ऊपर से इसका एक उतारा करना है, एंटी क्लॉक वाइज एक एक बार भक्तजनों अपने सर के ऊपर से इसको बार लेना है। लेकिन ये जो मन्नी है बाबा भैरवनाथ जी की, उसके ऊपर ये चिराग, और ऐसे ही आपने एक एक चक्कर सर के ऊपर से लगा लेना है, एंटी क्लॉक वाइज उल्टा इसको घुमाना है। और उसके बाद भक्तजनों, जो आपके घर का मेन गेट है बाहर वाला, जिससे आप घर में आने के लिए एंट्री करते हैं, उसके अंदर वाली साइड के ऊपर दाएं या बाएं तरफ आपने इस रोटी को धरती के ऊपर नीचे ही आपने रख देना है, जिसके ऊपर ये चिराग है, और इस चिराग को भक्तजनों आपने रोशन कर देना है। ये जो चिराग है भक्तजनों, इतना बड़ा ये चिराग होना चाहिए कि 12 बजे के बाद भी यह जो चिराग है घंटा दो घंटे भक्तजनों चलता रहे। ये जो चौमुखा चिराग है सरसों के तेल का, बाबा काल भैरवनाथ जी का ये जो दिया है। तो उसके बाद भक्तजनों, जब सोमवार वाला दिन आ जाए सुबह सुबह, तब आपने ये जो रोटी है, ये जो मन्नी है बाबा काल भैरवनाथ की, और ये जो चौमुखा चिराग है, तो इसको आपने घर से बाहर लेकर जाना है। और इस चिराग को बाहर ले जाने के बाद, या तो आपने इसको पीपल के पेड़ के नीचे रखना है, इसी विधि के अनुसार ये जो रोटी है, ये जो मन्नी है बाबा भैरवनाथ की, पीपल के पेड़ के नीचे आपने इसको ऐसे ही रख देना है। और चौमुखे चिराग के लिए आपने सरसों का तेल साथ में लेकर जाना है। फिर से आपने सोमवार वाले दिन इस चिराग को आपने फिर से वहाँ पर जाकर रोशन कर देना है। सुबह सुबह आपने तारों की छांव में इस विधि की आपने पालना करनी है। सूर्य उदय होने से पहले पहले फिर आपने इस विधि का ये उपयोग करना है। अगर पीपल नहीं है भक्तजनों आपके आसपास, कोई बहती नदी हो या कोई समंदर हो, तो उसके किनारे भी आप इस विधि का ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी धुने के ऊपर, गुरु गोरखनाथ का धुना हो, बाबा भैरवनाथ का धुना हो, किसी भी धुने के ऊपर भी आप इस विधि का ये आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपको ये स्थान ना मिले, तो किसी खुले कलर मैदान में, किसी पार्क में भी आप इस विधि का आप ये उपाय कर सकते हैं। तो भक्तजनों, आप इस विधि का ये उपाय कर देखें, तो बाबा भैरवनाथ जी की जो शक्ति है आपके घर परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा देगी। तो जो भी कोई बुरी शक्ति आपके घर परिवार में है या किसी के शरीर के ऊपर है, तो बाबा भैरवनाथ जी अपनी शक्ति के द्वारा और इस चौमुखे चिराग की शक्ति के द्वारा अपने बंधन में ले लेंगे। बाबा भैरवनाथ जी का उन बुरी शक्तियों के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा लग जाएगा और उनको पूर्ण रूप से बंधन में ले लेंगे इस विधि के द्वारा। जैसे हम अक्सर ही कहते हैं कि हमारे पितर बंधन में हैं, हमारे देवी देवता बंधन में हैं, लेकिन ये जो बाबा भैरवनाथ जी की विधि है बुरी शक्तियों को बांधने के लिए, बुरी शक्तियों के ऊपर अपना बंधन लगाने के लिए, तो इसे बाबा भैरवनाथ जी आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। तो उसके बाद भक्तजनों, इस विधि का उपाय करने के बाद, कभी कभी रविवार वाले दिन आप बाबा भैरवनाथ जी के नाम की, जैसे मैंने आपको जय मन्नी,
जो रोटी मैंने आपको बताई है। तो इसी विधि के अनुसार कभी कभी आप ये मन्नी बना लिया करें और पूरे घर में से वारने के बाद, सभी व्यक्तियों के ऊपर से वारने के बाद, गाय को, बैल को या दरवेश को, कुत्ते को आप इसको डाल सकते हैं। इससे जो बाबा भैरवनाथ जी की शक्ति है, बाबा काल भैरवनाथ जी की जो शक्ति है, आपके साथ सदा ही चलती रहेगी अगर आप इस विधि की भक्तजनों पालना करेंगे। तो भक्तजनों, यह थी बाबा काल भैरवनाथ जी की विधि के कैसे आप चौमुखे चिराग के द्वारा बुरी शक्तियों से आप निवारण कर सकते हैं। तो भक्तजनों, अगर इस वीडियो के बारे में आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो चैनल के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो। और इसके अलावा जो भक्तजन मेरे साथ बात करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद, तो ये जो आप चैनल के नीचे व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हैं तो इसके ऊपर मैसेज करने के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। उसके बाद नित्य ही जो भी आपके घर की कोई समस्या होती है तो उसका जो निवारण है मैं आपको बताता हूँ नित्य ही। तो भक्तजनों, अगर आपको बाबा काल भैरवनाथ जी की ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।